यूनिट ए का ही नैक्सट टॉपिक हैगा एरर करैक्शन तो एरर डिटेक्शन। ठीक है, असं उस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो आप स्टडी किया सिर्फ कोड्स, मतलब थोड़े ऑक्टल आप कि रिप्रजेंट करते हैं, बाइनरी हेक्साडेसिमल या डेसिमल। ठीक है, जो अज असी स्टडी करना है वह करना है एरर डिटेक्शन तो एरर करैक्शन। पहला आप एरर डिटेक्शन करा फिर करैक्शन की गल करा। एरर डिटेक्शन एंड एरर करैक्शन। ठीक है, ये थोड़े टॉपिक्स है। एरर करैक्शन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैगा वो आप सिर्फ हैमिंग कोड स्टडी करना। ठीक है, और एरर डिटेक्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने दिता हुआ पैरिटी मैथड। ठीक है, तुम आ स्टडी कर लेना। ठीक है, तो जनरली पहला आप गल करते हैं कि एरर इतने क्यों आ रहा या एरर का मतलब की है। ठीक है, जदों भी तुहाडे कंप्यूटर के उत्ते डेटा ट्रांसफर हुंदा है तो असी गल की करते हैं कि वो मशीन लैंग्वेज दे विच ही तुहाडा डेटा जिहड़ा सेंड करता या रिसीव करता। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का मतलब हो गया तुहाडा बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब की हो गया 0-1। ठीक है, 0-1 का कोई भी कॉम्बीनेशन जिहड़ा तुसीं सेंड करोगे दैट इज़ डेटा। सो डेटा एक्चुअली तुहाडा ट्रांसफर हुंदा इस फॉर्म दे विच। असी इत्थे थोड़ा जिहा मैं नैटवर्किंग नूं टच करांगा ताकि समझना सौखा हो जाए। सेंडर कोई भी मशीन, ठीक है, कोई भी, क्योंकि हुण आपां कंप्यूटर ऑर्गनाइजेशन की गल कर रहे हैं तो तुहाडा जिहड़ा कंप्यूटर सेंड करदा डाटा एक पार्ट तो मान लो मदरबोर्ड के उत्ते कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट नूं कोई डाटा सेंड कर रहा या कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा। इन एनी केस जो डाटा सेंड करदा उहनूं आपां सेंडर कहिंदे आ तो जिहड़ा बंदा डेटा रिसीव करता उन्हों पर रिसीवर कहने। ठीक है, इन एनी केस मतलब साढ़े को दो तरह के बंदे होंगे, एक सेंड करूगा डेटा एक रिसीव करूगा। जिहड़ा सेंडर है उन्हें भी 0-1-0-1 की फॉर्म के सेंड करना डेटा और रिसीवर ने भी इसे फॉर्म के जिहड़ा डेटा रिसीव करना। ठीक है, हुण एरर का मतलब की है कि अगर तुसी जदों डेटा सेंड कर रहे हो तो उस वेले तुहाडियां बिट्स जिहड़ियां चेंज हो जांदियां। ठीक है, उहनूं आपां कहिंदे एरर। फॉर एग्जाम्पल मान लो असी डाटा सेंड किया वाला, फिलहाल सिर्फ एरर की आपां गल कर रहे। एरर जो तुहाडा सेंडर सेंड करता, मतलब सेंडर ने तुहाडा आ मान लो डाटा सेंड किया, मतलब 4x0 4x1, तो अगर रिसीवर नूं ये एज इट इज़ रिसीव हो जाता 4x0 4x1 तो इहदा मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, मान लो इन्हां विच्चों कोई एक बिट चेंज हो जांदी, यानी कि रिसीवर कोल की पहुँचता है 0100 उस तो बाद 4x1 बाई चांस मान लो आ पहुँचता है। ठीक है, सो इट मीनस तुहाडी एक बिट जिहड़ी उह चेंज हो गई। ठीक है, इहनूं कहिंदे सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर कि तुहाडा एक बिट चेंज हो गई, पर रिसीवर कोल कोई मैथड होना चाहिए ये आइडेंटिफाई करन लई कि जिहड़ा तुसीं आ डाटा भेजिया ये एज इट इज़ उही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जदों आपां किसी नाल गलबात करते हैं, अगर किसी नूं आपां कोई डाटा सेंड करते हैं सीक्रेट, तो असी उन्होंने नाल कोडवर्ड कहते हैं। जिदा मान लो तुहाडे कोई बंदा मैसेज तुहानूं मैं कहता भी तुसीं फलाने बंदे नूं जी अपना मैसेज दे के आओ, है ना, तुसीं उहदे कोल मैसेज देण जाते हो, हुण उहनूं किदां पता लगेगा कि तुसीं उही इंसान हो जिहनूं मैं एक्चुअल च भेजा होया। ये तो नहीं है कि मेरी जगह कोई होर ही तुहाडे कोल आ गया। जिदा कहते हैं कि छोटे बच्चों ने अच्छा कहते हैं स्कूलों तो तुम सिखा के भेजो भी इनकेस तुम्हें कोई लैन आता तो उसको कोडवर्ड पुछो भी तुम वाकई मेरे माँ बाप ने ही भेजा जो किसी होर ने भेजा। ठीक है, सो मतलब साढ़े को एक तरीका होना चाहिए कि डाटा नू चेक करना कि डाटा जिहड़ा साढ़े को पहुंचे कि वह सही है भी या गलत है। ठीक है, सो उहदे लई साढ़े को मैथड है। हुण यह हैगा सिंगल बिट एरर, मतलब तुहाडी एक बिट का ही सिर्फ डाटा चेंज होया। मान लो अगर तुहाडे कोई दो बिट्स चेंज हो जांदियां, फॉर एग्जाम्पल मान लो आह वाली 0 to 1 हो जाता बाकी एज इट इज़, उस तो बाद 1-1 हुण आ वाला 1 जिहड़ा ही 0 हो गया बाकी एज इट इज़। सो हुण साडी चेंजेस कित्थे होईआं, एक पॉइंट आ होया एक पॉइंट आ होया, मतलब आ दो बिट्स जिहड़ियां साडी चेंज होईआं, तो इहनूं आपां कहांगे बर्स्ट एरर। मतलब एक तो ज़्यादा एरर आए, मतलब एक तो ज़्यादा बिट्स दे विच अगर चेंजेस हुंदे उहनूं बर्स्ट एरर कहिंदे। पर बर्स्ट एरर दी हुण काउंटिंग च फर्क हुंदा, चेंजेस भावें दो बिट होईआं पर तुसीं नूं दो बिट दा नहीं कहना कि दो बिट दा एरर है। तुसीं बर्स्ट एरर किद्दां काउंट करदे हो, जिथों स्टार्ट होया पहली पोजिशन तो स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 बिट एरर तुसीं बोलोगे, मतलब जिहड़ी पहली बिट चेंज हुई और लास्ट जिहड़ी चेंज हुई उत्थे तक। मान लो इन बिटवीन देखो कोई होर बिट भी चेंज हो गई, आ वन दा भी मान लो 0 हो गया,
ठीक है, इन बिटवीन कोई होर बिट भी चेंज होगी। तो आप बर्स्ट एरर नूं किद्दां कैलकुलेट करने, पहली जिहड़ी बिट चेंज हुई उत्थों कैलकुलेशन शुरू करनी और लास्ट बिट जिथे तक जिहड़ी लास्ट बिट चेंज हुई उत्थे तक सारी गिणती कर लैनी, उन्ने बिट का तुहाडा बर्स्ट एरर हुंदा। ठीक है, सो इत्थे तुहाडा एरर किन्ना आया, 6th बिट का एरर आ गया। हुण दो मैथड है जो आप स्टडी करने, पहला तो आप गल करनी डिटेक्शन। पहला तो सानू ये पता होना चाहिए कि जिहड़ा डेटा है वह सही पहुँचिया या नहीं पहुँचा, सिर्फ इन्ना काम है। डिटेक्शन वास्ते साडे को मेनली तीन चार तरह के मैथड है, VRC, LRC, CRC एंड लास्ट इज चेकसम। ठीक है, VRC, LRC, CRC चेकसम, इन्हों सिर्फ आप डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करते तो मतलब कि सानू ये पता लग जाता कि एरर है या नहीं है, मतलब यस या नो जो सानू आंसर मिलेगा कि जो आप डाटा भेजा सी उहदे विच कोई एरर है या नहीं है। VRC का मतलब वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। ठीक है, LRC का मतलब लॉन्गीट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, CRC मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एंड चेकसम तुम्हें सुनया होना ये नॉर्मली भी अगर तुम माड़ी मोटी भी डाउनलोडिंग करते हो इंटरनेट तो कई बार आता कि MH5 इदा का भी चेकसम जोड़ा है वो फेल हो गया, या अगर तुम कई बार WinRAR कोई फाइल खोलते तो वो एरर आते हैं चेकसम के। ठीक है, ये मैथड है सिर्फ एरर डिटेक्शन के, डिटेक्शन मतलब कि एरर है या नहीं है, यस या नो दसूगा। ठीक है, हुण ये हों की है, इन्हें आप पैरिटी यूज करते हूँ, एक तो सिलेबस के स्पैशल वर्ड लिखा हुआ पैरिटी। पैरिटी मतलब होता डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी। ठीक है, या इनू आप रिडंडेंसी भी कहने, जो आप इतने वर्ड यूज भी कर रहे हैं रिडंडेंसी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਡ ਵਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਵਰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਡ ਵਰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਐਰਰਨੈਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕਿ 4x0 4x1 ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪੈਰਿਟੀ, ਪੈਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 0101 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0101 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, VRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ, CRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਚੈਕਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਿ ਐਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਰਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ 0 ਦਾ 1 ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 1 ਦਾ 0 ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ 0 ਦਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ 1 ਦਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ VRC ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ VRC ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਪਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।